हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे का वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं चना दाल की तड़का। कुछ अलग तरीके से हमने बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। सबका अपना अपना बनाने का तरीका अलग होता है। इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी चना दाल तड़का बनता है। तो चलिए अब हम बनाएंगे चना दाल तड़का। तो सबसे पहले हमने जो सामान इकट्ठा कर लिया है वो है प्याज, बारीक काट करके रख लिए हुए थे। चना दाल को धोकर हम रख लिए हैं और इधर हरी मिर्च, टमाटर, तेजपत्ता ले लिए हैं, साथ में लहसुन भी काट कर रख लेंगे, अभी नहीं रखे हैं। और गैस पर हम कुकर डाल दिए हैं गर्म होने के लिए। इसमें हम तेल डाल दिए। तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा चटक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची। हल्का हरी मिर्ची जब फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। हल्का लहसुन जब फ्राई होगा तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने बारीक काट करके रखा हुआ है उसको। तो अभी हम तेजपत्ता डाल दिए हैं। और अब प्याज डाल दिए। इसको 5 से 7 मिनट हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, फिर ऐड करेंगे इसमें मिक्स मसाला पाउडर 1 चम्मच, और अब ऐड किए हैं लाल मिर्ची पाउडर, ये भी 1 ही चम्मच है।
बराबर बराबर हम मसाला डालते हैं और आधा चम्मच धनिया पाउडर है। स्वाद के अनुसार हम इसमें ऐड करेंगे नमक और आधा गिलसी पानी हम इसमें डाल दिए हैं क्योंकि सूखा मसाला था, उसको फ्राई करने के लिए थोड़ा पानी चाहिए ही। ऊपर से हम छोटी चम्मच एक चम्मच डाल दिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे सब्जी में कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब ऐड कर दिए टमाटर, मसाला 10 मिनट हम फ्राई किए हैं, तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे चना दाल। और मसाला के साथ इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। मिल चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 से 2.5 गिलसी पानी क्योंकि दाल पानी सोखता है और हमको ग्रेवी में भी रखना है इसको, तो 2 गिलास और ऊपर से और डालेंगे 1/2 गिलास से ऊपर पानी। लगभग 3 गिलास हम डाल ही दिए पानी इसमें क्योंकि जितना दाल है उसे 2 इंची पानी ऊपर होना चाहिए। एक छोटी चम्मच से हम ये गरम मसाला पाउडर है इसको ऐड कर देंगे इसमें। इस तरह से तड़का बनाकर खाइएगा तो नॉनवेज भूल जाइएगा। नॉनवेज से टेस्ट इसका कम नहीं रहता है। तो हमारा चना दाल तड़का बन करके तैयार हो गया है। पानी तो सूख गया है पूरा, इसलिए हम ऊपर से 1/2 गिलास पानी को उबाल कर इसमें डाल देंगे ताकि ग्रेवी के अनुसार रहे, तब तो खाने में टेस्ट आएगा। और दाल को पकाने के लिए हम 6-7 सीटी लगाए थे चना दाल के। अब इसमें हम तड़का लगा देते हैं। तो करछुल में तेल डालकर गर्म कर लिए हैं, जीरा ऐड कर दिए। जीरा जैसे ही चटक गया तब हम इसमें लाल मिर्ची को ऐड कर दिए। बर्तन छोटा है इसलिए इसमें नहीं पकेगा ठीक से, इसलिए चम्मच से इसको हम भिगो दिए हैं अंदर दबा करके। तो तैयार हो गया तड़का। अब हम दाल में तड़का लगा दिए। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। अपना प्यार सहयोग में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।